घाटशिला की सारथी टुडू जब अपने गांव लौटी तो उसका भव्य स्वागत किया गया। गांव पहुंचने पर उसका सम्मान हुआ और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला गया, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने गांव का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। ये ढोल नगाड़े, ये जुलूस और ये सम्मान, वाकई काफी खुशनुमा एहसास हो भी क्यों ना। बहरागोड़ा के लिए ये पल किसी जश्न से कम नहीं। सारथी टुडू पहली आदिवासी लड़की जिसे एक दिन के लिए राजदूत बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। मौका था इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का, जब भारत की 10 राज्यों की प्लान इंडिया की गर्ल चेंज मेकर्स ने नई दिल्ली में 22 राजनयिक मिशनों के राजदूतों और उच्चायुक्तों की भूमिका निभाई। का राजदूत बनना ये केवल पूर्वी सिंहभूम और बहरागोड़ा के लिए नहीं है, झारखंड के लिए गौरव की बात है। हमारे घर की बेटी ने इतना सम्मान ये बहरागोड़ा वासियों को, पूर्वी सिंहभूम और झारखंड वासियों को प्रदान किया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। सारथी 7 भाई बहनों में से एक हैं और सभी की परवरिश माँ ने अकेले की है। सारथी की पढ़ने की ललक इतनी है कि उसने फी जमा करने के लिए माँ के साथ खेतों में मजदूरी की। वो चाहती है कि सभी लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए वो बच्चों, युवाओं और उनके परिवारों की काउंसलिंग भी करती है। इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे कनाडा के एक दिन के लिए एम्बेसडर का सीट दिया गया और मैंने उनका जो सीट है उसमें रह के काफी वफादारी से अपना पद का निष्पादन किया। और उसमें मुझे काफी सारे, वहाँ जब एम्बेसडर बनी, वहाँ उनका एम्बेसडर का जो काम है, मैंने जो उनका काम किया उससे मुझे काफी सारी चीजों का जानकारी मिली, जिसे मैं अपने यहाँ में लागू करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो जो मैं वहाँ से सीख के आई हूँ वो सबको ही अपने लाइफ में आगे भी बढ़ाए। जैसे दूतावास टेक ओवर के अलावा झारखंड के करीब 26 प्लान इंडिया गर्ल चेंज मेकर्स ने अपने संबंधित जिलों और गांव में महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत में पद संभाले। दुनिया भर में गर्ल्स टेक ओवर्स 60 देशों में आयोजित किए गए, जिसमें 1000 से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया और ये साबित किया कि भेदभाव, शोषण और असमानता से परे लड़कियाँ हर क्षेत्र में सफल हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए घाटशिला से कन्हैया की रिपोर्ट।